कोरोना वैक्सीन बनाने के बाद अब भारत एक बड़ा और सराहनीय काम करने जा रहा है। भारत कोरोना वैक्सीन पड़ोसी देश को देने का विचार बना रहा है। भारत में वैक्सीन बनने के बाद तमाम देशों की नजर भारत पर टिकी है। इसी को देखते हुए भारत नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेशल्स और मॉरिशियस को वैक्सीन भेजेगा। पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने के बाद भारत सरकार लैटिन अमेरिका, अफ्रीकी और पूर्व सोवियत गणराज्यों के देशों को टीके सप्लाई करेगी। भारत ने दो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बना ली है और टीकाकरण की शुरुआत भी आज से शुरू हो गई है। वहीं दुनिया को भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत से काफी उम्मीदें हैं। कई देश भारत से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेशल्स और मॉरिशस को भेजी जाएगी। भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन की 20 मिलियन डोज सप्लाई करेगा। जानकारों का कहना है कि पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजने की योजना पर अभी चर्चा चल रही है। कुछ देशों को वैक्सीन की आपूर्ति फ्री में भी की जा सकती है ताकि पड़ोसी देशों की मदद की जा सके। कोरोना वैक्सीन का पहला जत्था अगले दो सप्ताह में भेज दिया जाएगा। पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने के बाद भारत सरकार लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व सोवियत गणराज्यों के देशों को टीका सप्लाई करेगी। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भारत में बनी कोरोना की दवा कोविशील्ड की 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। ये वैक्सीन पुणे के भारतीय सीरम संस्थान ने बनाई है। करीब 12 से 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। इन देशों में अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन में रुचि दिखाई है। कतर, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत से संपर्क किया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हालांकि बेशक ये गर्व की बात है कि भारत की वैक्सीन अब विदेशों में सप्लाई की जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।